दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस समय सुमित बेहद ज्यादा हैरान है कि आखिरकार उससे ये सभी बात क्यों छुपाई गई थी, वो भी साफ साफ इसलोक की तरफ से। क्योंकि दोस्तों अब इसलोक की बात इस समय जब सुमित को पता ही चल गया तो अब इसलोक बताता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों इस समय इस बात को कैसे भूलें आखिरकार सुमित, क्योंकि दोस्तों सुमित को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मेरे से हर तरीका से बात छुपाने की कोशिश क्यों की थी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई लगातार नज़ारे पेश करती हुई नजर आने वाली है। सभी लोगों का मानना ये है कि जो हो रहा है वो बेहद ज़्यादा अलग है, लेकिन दोस्तों अब सगुन एक बार फिर से अपनी चलेगी एक बहुत बड़ी साजिश। आप लोग जानते हैं कि साजिश चलने का उसका आज का नहीं बल्कि बहुत समय का प्रयत्न लगातार कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट इस प्रकार से देखने को मिलेगा जब यहाँ पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आने वाला है आखिरकार इस लोग कि ठीक है मैं कुछ ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिससे रौनक बाहर आ सकता है, लेकिन तुम हमें जेल नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सगुन बोलती नजर आने वाली है कि मैं तब खुश हो जाऊंगी जब तुम डिवोर्स दे दो सुमित को, तब तो मैं सोच सकती हूं माफ़ी के लिए, नहीं तो मैं माफ़ी के लिए बिल्कुल सोच नहीं सकती। आप लोग जानते हैं कि आने वाली कहानी एक नहीं बल्कि समय कई ट्विस्ट लगातार लाती हुई नजर आने वाली हैं, क्योंकि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो वास्तविक बेहद ज़्यादा अलग बेहद ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सगुन लगातार अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश करेगी, और इधर बात की जाए तो इधर अपने हर एक एंगल से वो कोशिश ये कर रही है कि अलग अलग हो जाएं दोनों जने। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना